तो भाई हमारी भाई गाड़ी हो गई है ओवर हीट, पता नहीं धुआं देने लगी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया इसमें भाई, क्या सिस्टम है यही होगा रेडिएटर में पानी अभी मत खोलियो। अभी भैया क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्वागत आपका करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। आया आपको बढ़िया होगी, मैं भी बढ़िया हूँ भाई। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4:09 एंड अभी हम लोग चल रहे हैं कालका जी मंदिर दर्शन करने। तो चलते क्यों, अभी ना आरती का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं ना अभी अपनी मतलब चप्पल इधर उतारने आ गया, तो चलते जल्दी से ऊपर और दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। तो दर्शन हो गए हैं, अभी चल रहे हैं हम लोग। इतना सुबह सुबह आने का कारण यही है भाई हमारा, क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं तो पहले गाड़ी में बैठते हैं अपनी। तो भाई इतनी सुबह आने का कारण ये है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को दवाई दिलाने कहीं, और मतलब भरत भाई की गाड़ी में हम, तो अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड साइड। तो भाई सोचा थोड़ा घूम भी लेंगे सुबह, हमें तो आज ही वापसी आना है क्योंकि भाई हमारा मंदिर आना होता है रोज़, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह दर्शन करके निकल लिया हम, क्योंकि शाम को भाई फिर टेंशन खत्म हो जाएगी, रात में लेट हो गए तो उससे अच्छा ना फिर, तो उससे अच्छा हम लोग अभी दर्शन कर ले तो बढ़िया था। एंड अभी चल रहे देखो रास्ते में ही हम लोग देख सकते हो भाई, अभी हम लोग ओखला आ गए हैं भाई, ओखला से निकलते हो हम निकलेंगे सीधा मेरठ एक्सप्रेस से। सो भाई ये देख रहे हो ये पूरी ओखला मंडी है, यहाँ पे अपने सब्जी वगैरह मिलती है, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी मिल सकता है, पूरी मंडी बना रखी है, बहुत बड़ी है। सो चलते हैं अभी एक्सप्रेस पर चढ़ के फिर मिलते हैं। सो भाई देख लो भाई गाइस, तो हम लोग आ गए अभी अक्षरधाम भाई। ये जो रात में क्या ही अमेजिंग लग रहा है भाई, लाइटिंग अलग ही है, मतलब अंदर जाएंगे तो और अलग है, बट अभी टाइम नहीं है इतना अंदर जाने का, अभी देख लो एक्सप्रेस वे तो हम आ गए। तो वो देखो भाई क्या ही कूल लग रहा है भाई, कोई नहीं चलो चलते। तो हम लोग अभी आ गए हैं भाई हापुर, हमने क्रॉस कर दिया है मुरादाबाद पे, मुरादाबाद 102 किलोमीटर रह गए यहाँ से। सो अभी देखते हैं भाई कितना है, और मैं मेरठ भी अंदर 37 ही दिखा रहा था, बट कोई नहीं चलो अभी तो रास्ते में ही हम चल रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं भाई मुरादाबाद में, एंड अभी टाइम हो रहा है भाई 6:42 एंड भाई अभी तो चल रहा है काशीपुर जाना है, तो अभी 43 किलोमीटर रह गए काशीपुर। तो भाई व्यू तो बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं, अभी दिखाऊँ जब उत्तराखंड में हम लोग एंट्री देंगे तब दिखाऊँगा अभी आपको कि मतलब उत्तराखंड में जब एंट्री होगी ना तब अलग ही व्यू आएगा बिल्कुल एकदम तगड़ा, वो दिखाऊँगा अभी आपको। एंड अभी तो भाई सब पीछे बैठे आराम से, तो चलते हैं भाई। सो भाई चलो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रह गया बस पहुँचते हैं भाई उत्तराखंड में, एंट्री तो हो गई हमारी, बट वही बॉर्डर है मुझे लग रहा है कि व्यवस्था है इसलिए ज़्यादा वो नहीं है पहाड़ी इलाका, तो चलते हैं आपको फिर पहुँच के फिर मिलते हैं। सो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है यहाँ पर, एंड भाई अभी ना 7:30 बजे हम लोग आ गए हैं भाई, हम निकले थे वहाँ से 4:45 मतलब निकल गए थे हम, फिर मैं मंदिर गया वहाँ पे 4 बजे मंदिर पहुँच गए थे हम लोग 15-20 मिनट में। तो भाई यहाँ पे तो हम लोग आ गए अभी 7:30 बजे, और भाई हॉस्पिटल तो आ गए अभी, सबमिट भी कर दिया भाई, और भाई बहुत दूर से मतलब एक आंटी मिली मुझे द्वारका से आई हुई है, वो तो कह रही थी हम भी दिल्ली से आए हैं, फिर बता रही ट्रेन से, बट कोई नहीं भाई आंटी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं भाई, ये हॉस्पिटल है अपोलो नाम से है, अच्छा है वैसे बताते भाई आप पता नहीं तो बताएंगे, मेडिसिन लेके डायबिटीज़ है मम्मी को, तो भाई जो बताता है थोड़ा बता देता है कि भाई ठीक आराम मिले, मतलब मेन बात है तो आराम मिलना चाहिए क्योंकि यार दिक्कत होती है थोड़ी बस। कोई नहीं चलो थक गए भाई हमारे भरत भाई गाड़ी चलाते चलाते, हालत खराब हो गई, एंड पीछे अपनी इतनी लंबी पहली बार चला के लेके आए हम, गड्डी खड़ी है तो भाई दिल्ली दिल्ली का काम है सब कुछ चलाओगे क्यों, खड़ी रहती है गाड़ी। चलो भाई चलते हैं अभी, थोड़ा सा यार थक गए हम लोग, बैठे बैठे नींद आ रही थी बहुत, तो मिलता हूँ आपको पहले फिर देखता हूँ अंदर हॉस्पिटल में। यार सुबह सुबह की एक चाय भाई क्या करें, चाय पीनी ज़रूरी है क्योंकि भाई कुछ नहीं खाया हमने, तो चलो भाई बिस्किट मंगाते हैं खाते हैं फिर मिलता हूँ आपको। हाँ भाई क्या खाएगा भाई, ये तो कुछ नहीं खाएगा कह रहा भाई मेरा पेट भरा हुआ है। सो भाई चलो, सो गाइस चाय पी ली है, सो
तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया हमने एंड भाई अभी यार थोड़ा डॉक्टर आएंगे 9-10 बजे चाय से। तो इसने भी कुल्ला कर लिया चाय से, मुंह भी धो लिया इसने चाय से, तभी इतना काला हो रहा है देख रहे हो, ये चाय से धोया तो ये होगा गर्म। अच्छा भाई इंडियन है चाय। हाँ भाई इंडियन है काला ये। चलो भाई क्या कर सकते हैं, डॉक्टर आएंगे भाई 10 बजे करीब, तो फिर इसके बाद देखते हैं, दिखा के फिर निकलेंगे हम लोग घर के लिए कहीं देखते हैं। और क्या दिखा के? और अभी चलेंगे कुछ खाने पीने। सो खाने पीने अभी तो बोल रहा था भूख नहीं लगी, अब तो अभी नहीं मतलब थोड़ी देर बाद भाई। अब 20 रुपए पार्किंग। सो गाइस तुम्हारा भाई चलाएगा अभी गाड़ी, भाई थोड़ा सा आती वाती है, साइकिल चलाई है देख रहे हो, हैंड ब्रेक है डाइनिंग गाड़ी चला रहे हैं, हैंड ब्रेक लगा दी भाई, तो चेक करनी चाहिए। चेक क्या करनी चाहिए भाई, तुझे लगानी नहीं चाहिए थी। अच्छा उत्तराखंड की पहाड़ियों पे ऐसे लग रहा है। और क्या यही होता है, कैमरा लगवा नहीं रखा, अनाड़ियों के हाथ में गाड़ी दे दी जाए, गाड़ी ले ली इतनी महंगी, कैमरा लगवा नहीं रखा, लेक्चर हमें जरूरत नहीं पड़ती, बस हम आग बंद करके भी मोड़ देते हैं गाड़ियाँ। अरे जाओ वहाँ की नहीं तुम्हारी मोड़ हो गए, इन्हें यही नहीं पता पहले गियर में डली है कि दूसरे गियर में डली है, पहले में डाली है समझा, ये उनमें से तीसरे गियर पर गाड़ी उठा के चला ले, गाड़ी गलत है तो हमारी गलती। हाँ अब चलो इसे बैग लेके चलते हैं, ऐसी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी लगा दूंगा अभी थोड़ी देर प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये बैग लेके जाएंगे, इनसे गाड़ी स्टार्ट होकर तो बंद हो जा रही है, बैग लेके जाएंगे। चुप देखो चुप, कोई बात नहीं तेरे को ही बनना देगा। हाथ साफ करना जरूरी, तो मैंने सोचा उत्तराखंड की, हाँ तो डेटॉल साबुन पीछे पड़ा है, उत्तराखंड पानी भी पड़ा है, धो लो हाथ साफ कर लो जुब्बे। चलो गाइस अबे आगे दिखा थोड़ा भाई, अबे भाई इन्हें कुछ नहीं आता, चार बार तो गाड़ी बंद कर दी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट 34 सेकंड के वीडियो के अंदर 4 बार गाड़ी बंद करी है। तो सब मैं एडिट कर दूंगा, मैंने बोल दिया ना। हाँ चलो तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगा दिया पार्किंग पे, एंड अभी चलते हैं बाहर, भूख भी लग रही है, क्या कुछ खा लेते हैं, चलो यार अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे खाने पीने। तुम्हारा भाई आ गया अभी छत पर हॉस्पिटल की भाई, चुपचाप साइड वाली मतलब छत पे नहीं ऊपर, एक और ऊपर अभी के बाद नीचे मैं खड़ा हुआ, व्यू देखो तगड़ा आ रहा है, दिखाता हूँ आपको पूरा मजा, मतलब अभी ना थोड़ी सी बारिश हो गई थी बस बंद हो गई, पता नहीं क्या 10 मिनट के लिए हो रही है, 10 मिनट बंद हो जा रही है, दिखाता हूँ आपको देख सकते हो, ये व्यू है और ये मेन रोड है जो कि सामने दिख रहा है, एंड भाई ये पूरा व्यू है यहाँ से। सोचना है थोड़ा सा मैंने मुँह थोड़ा अगर अजीब सा लग रहा फेस, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नींद है ना इसलिए, तो अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा डॉक्टर आने का यार, बाकी सब तो एडमिट कर दिए, पर मतलब स्लिप वगैरह सबमिट कर दिया है, एडमिट बोल रहा था, स्लिप सबमिट कर दी है, एंड चलो भाई तो अब तक आते डॉक्टर, वेट करते हैं देखते हैं। पापा कैसे सुना है भरत भाई हमारे, जा तुम भी दिखा दो अपना। गाइस मौसम हो गया केड़ा एकदम, भाई देख रहे हो भाई बारिश हो गई है, बहुत तेज हो रही है, थोड़ा यहाँ पे पता नहीं चला होगा कि थोड़ी अभी थोड़ी धीमे हो गई है, क्योंकि अभी तो बहुत तेज हो रही थी भाई, दिख रही होगी अगर आपको तो। भाई अभी भी डॉक्टर नहीं आया भाई, 10 बज गए कह रहे 10:30 तक आएंगे, देखते हैं। भरत भाई हमारे बेचारे रात के जगे हुए, सो जाओ मैं तो कह रहा हूँ, चलो बाय बाय सो जाओ गुड नाइट। भाई दवाई ले लिया है भाई, अभी निकल रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ चलना है भाई, भूख लग रही है वैसे भाई, भाई 12:30 होने वाले हैं भाई, डॉक्टर भाई अभी आया होता भाई, इतना लेट आया, इतनी भीड़ हो गई, बट कोई नहीं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना यहाँ पे, कोई नहीं अपनी गाड़ी निकाल रहा है अभी भरत भाई, तो चलते हैं गाड़ी के पास पहले हम। हाँ भाई निकाल भाई गड्डी, चलो भाई ये अपनी गड्डी, आ जा भाई जल्दी आ जा, बारिश हो रही है बहुत तेज, तो निकलने का टाइम हो गया भाई, अब हम निकल रहे हैं भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है, कोई नहीं, मम्मी कह रही भाई उन्होंने ना कुछ मुंह में मतलब दवाई डाली है कड़वी से बहुत ही, कह रही भाई तो, बट कोई नहीं चलो चलते हैं घर पर भाई, घर पर पहले कुछ खाएंगे पियेंगे फिर चलेंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है अभी दिखाता हूँ भाई, देख सकते हो भाई बारिश कितनी तेज हो रही है, और भाई उत्तराखंड के मजे भाई ये बारिश के, अपने बट मजे आते हैं भाई ऐसी बारिश में, और गाड़ी में घूम रहे हो हम लोग हैं, बोले भाई क्या कह रहे हो, मजा आने वाला है। चलो हमारा भाई आ गया अभी समोसे लेने, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था भाई, तो भी अंकल देख रहे हैं समोसे गरम गरम बनवा रहे हो भाई, क्योंकि ये आ गए अपने समोसे, एक ही दिया हमने, एक ही था, खत्म हो गए
भाई चलो तो यार बताओ, मैं आपको बताऊं यार, समोसे खाते नहीं, बट मम्मी को ना भूख लग रही थी क्योंकि उन्हें डायबिटीज है, तो अब खाली पेट रुका नहीं जा रहा भाई, 12:30 बज गए, बट मैंने बोला एक एक खा लेंगे फिर उसके बाद कहीं आगे देखते हैं खाना ना खाएंगे, चलो खाते हैं फिर। क्योंकि हम लोग चल रहे हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग, गाइस देख सकते हो ये हमने मैप ओपन कर रखा है, सो चल रहे हैं भाई इसी के अकॉर्डिंग, हमें तो खुद नहीं पता रास्ता, पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले अभी, जब पहुँचेंगे तो बताऊँगा वो कहाँ पहुँच गए, ठीक है जब मैं पता कर लेता हूँ पहले। सो गाइस अभी हम लोग आ गए अमरोहा, एंड भाई अभी ना हम लोग अंदर आ गए हैं इसके, भाई गूगल मैप के अकॉर्डिंग जैसा रास्ता दिखा रहा था ना वैसे आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह है भाई, देख लो रश कितना है यहाँ पे, गाड़ी ओवर हीट हो रही है, फिर पानी खत्म हो गया, ऐसे क्या करना है। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था उसके बाद थोड़ी सी आगे आई, फिर मतलब इसका ना फैन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया कूलेंट वाला, बट कोई नहीं चलो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, चलेंगे भाई मैकेनिक की दुकान पे लेके पीछे है, एंड अभी हम ले आए गरम गरम आलू के पकोड़े, एंड भाई चटनी तो भी मजा आने वाला है भाई यहाँ पे अमरोहा में, हम अभी हम लोग खाते हैं अभी, ठीक है फिर मिलते हैं, ऐसा ठंडी हो जाएगी फिर ले चलेंगे मैकेनिक के पास। तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई तो नई गाड़ी में यार, बट कोई नहीं चलो देखते हैं पहले खा लेते हैं भाई क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, उसके बाद देखो ले जा रहे हैं अभी भैया के पास गाड़ी को अपनी, अभी भैया क्या प्रॉब्लम है इसमें, चेक कर रहे हैं भैया अभी, चलो फैन तो ऑन हो गया भाई, अभी फ्यूज उड़ गया था इसका, एंड अभी कूलेंट को कर रहे हैं फुल, अभी कूलेंट भरना जरूरी है भाई, पूरा खाली हो गया कूलेंट का वो, तो अभी कूलेंट फुल करके फिर अभी ठंडी होने देंगे फिर उसके बाद देखते हैं। इस तो भाई हो गई भाई हमारी गड्डी ठीक भाई, हमने भैया ने जल्दी से ठीक कर दिया, भाई हमने थैंक यू बोला भैया को, भाई मुझे तो लगा भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा तगड़ा भाई, बट कोई नहीं चलो थैंक यू भैया, एंड भाई उनको बोल दिया मैंने, तो चलते हैं अब भाई, ऑलमोस्ट भाई अभी टाइम हो रहा है, मैंने देखा नहीं है अगर मार्केट में नहीं घुसे तो, अभी 3:30 बज गए हैं भाई, बट कोई नहीं चलो चलते हैं। चलो गाइस तो अभी चल रहे हैं ऑलमोस्ट भाई पहुंचने वाले हैं हम लोग, अभी 100 किलोमीटर रह गए शायद, देखते हैं भाई कब तक पहुंच जाएंगे, देखो भाई क्या देखते हैं और क्या भाई, तुम्हारा भाई कैसा लगा चश्मा भी बताओ मेरे, तो मस्त लगा, चलो लाइक कर देना इसी जाते हुए लोग, कुछ तरीका है भीख मांगने का। भाई हम लोग आ गए अभी अक्षरधाम के पास, एंड भाई यहाँ पे ना रेन बसारा जो मतलब जहाँ पानी वानी आ गया था ना अभी, जो बाढ़ चल रही थी तो वही लोग रह रहे हैं बेचारे यहाँ पे, फ्लड वगैरह आ गया था यमुना के पास, तो भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देख सकते हो भाई, सब बेचारे बना रखा है, क्या कर सकते हैं ये तो यार, बेचारों सबके घर डूब गए थे, कोई नहीं चलो चल रहे हैं अब। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है घर पे, एंड भाई अभी आया हम लोग भाई, 7 बज गए भाई, बहुत थक गए भाई, बट कोई नहीं चलो यहाँ पे देखो आतिथ्य तुम्हारे भाई ने बुला लिया आदित्य को, आजम को, और मम्मी बेचारी थक गई, सो बैठी हुई आराम से, और मैंने बोला भाई खाना बनाओ तेजी में, बल्कि भूख लगी है बहुत तेज, तो राखी से तो राखी हमारी अभी काम कर रही है, टेंशन नहीं काम वाली है ये, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, संध्या और राखी काम करती रहती है हमारे पूरे दिन का, और ये भी पड़े रहते हैं हमारे पूरे दिन पड़े रहते हैं, देखो फुट यही आ जाएगा, पंखे का भाई एसी, फ्रिज का एसी, वगैरह का भी ये भी नहीं कि ले भाई बिल, ले भाई बिल बिल भर ले 2-3 हज़ार रुपये ले रख ले भाई, बहुत इतनी कंजूसी दिखाते रहते हैं, बट कोई नहीं चलो, हमने भी बोले चल दोस्ती हमारा क्या करेगा यार, चलो कोई नहीं भाई, चलो थोड़ा सा थक गया आराम करो, कुछ
कुछ खा पी के फिर मिलता हूँ आपसे। हमारा भाई अभी सो के उठा थोड़ी देर, मतलब रेस्ट करके, फिर मैंने फिर मुंह धुला भी। एंड भाई अभी ना खाना खाने का टाइम होगा, ऑलमोस्ट भाई 9:30 बज गए, तो चलते हैं खाना खाने। एंड भाई यहाँ पे ना सिस्टम चला रहे हैं हमारे सागर अमन भाई, गाने वगैरह सुन रहे हैं, तो चलते हैं खाना खाने और फिर मिलता हूँ आपको। आज है हमारे पास आलू की सब्जी, आलू का भरता जो कि बोलते हैं। एंड भाई रोटी एंड रायता, तो जल्दी से खाते से खत्म करते फिर मिलते हैं आपसे। खाना खा लिया है एंड भाई अभी भाई सोने का टाइम हो गया, क्योंकि भाई अभी बज गए 11, तो थोड़ा सा टीवी देख रहे थे हम, उसके बाद भाई तो संध्या भी देखो मुंह चला रही है यहाँ पे, बट कोई नहीं, चलो। सो चलो भाई चलते हैं सोने के लिए। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज ब्लॉग कर दो लाइक, एंड चैनल भी अभी नहीं चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, टाटा, गुड नाइट, जय श्री राम सभी को।